हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिगिनर सीरीज के इस थर्ड पार्ट में। दोस्तों, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं इज एम आर वाले सेंटेंसेस, सेकंड में हमने सीखा वॉज एंड वर का यूज। आज ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम सीखेंगे हैज, हैव और हैड वाले सेंटेंसेस को। तो आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, जब मैं बात करता हूँ हैज, हैव, हैड की, इज, एम, आर की, वॉज, वर की, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें आप ऑक्सिलरीज बोलते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ इन सेंटेंसेस का तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ श्याम के पास घड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पास है, एक साथ नहीं आते कभी भी, पास है, यहाँ पे अलग अलग आपको मिलेगा। तो आपको ये देखना है सेंटेंस में अगर पास है या फिर पास है या फिर पास था, थी, थे, कुछ भी अगर ऐसा मिलता है तो आपको समझना पड़ेगा कि हैज, हैव, हैड वाला सेंटेंस है। ठीक है, एक चीज़ और, हैज और हैव आपका प्रेजेंट शो करता है, मतलब वर्तमान में आपके पास है कि नहीं वो चीज़, और पास्ट आपका शो करता है, मतलब हैड आपका शो करता है पास्ट का, आपके पास वो चीज़ थी अब नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लिखा, दूसरा मैं ये लिखता हूँ श्याम के पास, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। श्याम के पास घड़ी थी। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल्स आप गौर से देखिए, आपको एक में पता चलेगा कि प्रेजेंट की बात है, अभी भी घड़ी है उसके पास, और यहाँ पे घड़ी थी की बात है, मतलब अब उसके पास घड़ी नहीं है। तो जब भी था, थे, थी की बात आएगी तो हम करेंगे यूज़ हेड का, यानी कि ये आपका पास्ट के टाइम पे यूज़ होगा जब मैं पास्ट की बात करूँगा। इतनी सी बात आ गई समझ आपको। और हैज़ और हैव आपका प्रेजेंट के केस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रेजेंट। अब आप कहोगे कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है। पहली चीज़, बेसिक चीज़ जो कि ट्रांसलेशन में मदद करती है, क्या थी वो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जा रहा है या फिर वर्ब को करने वाला। सिंस यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं अभी, मेन वर्ब जैसे कि मैं कहता हूँ लिखना, पढ़ना, जिसमें कोई मूवमेंट है, अभी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो हम वर्ब को जो है ओमिट कर देंगे। और डेफिनेशन कैसे देंगे सब्जेक्ट का, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम के पास घड़ी है, किसकी बात की जा रही है, श्याम की, तो श्याम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो श्याम के पास क्या है, क्या के थ्रू से आपको मिल जाएगा घड़ी, यानी कि घड़ी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो ये थे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हैज, हैव और हैड। हैज आपका यूज़ होता है, इस चीज़ को मैं मिटा दूँ या चलिए रहने दीजिए अभी। देखिए, हैज आपका यूज़ होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, तब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। ही, शी और इट, या कोई भी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, याद रखना, एक वचन, ठीक है, सिंगल हो तभी वो आपका सिंगुलर होगा। यानी कि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का, वस्तु का नाम हो उसके साथ आपका हैज लगेगा, सिंगल क्वांटिटी में है तो। हैव आपका यूज होता है यू के साथ, वी के साथ, आई के साथ और दे के साथ। और एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तु की बात की जा रही हो तो उस टाइम पे भी आपका हैव आएगा, आप ये चीज नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हेड की, तो हेड में आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हेड ही यूज करना है। यानी कि आपका चाहे ही हो तो भी हेड, शी हो तो भी हेड, इट हो तो भी हेड, वी हो तो भी हेड, दे हो तो भी हेड, आई हो तो भी हेड का यूज़ करना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप कहोगे कि मैंने ही के साथ हैज क्यों कहा,
देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी ये चीज़ लिखी थी, जब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला ही यूज़ करना पड़ता है, प्लूरल है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ होता है। आई थिंक इतनी सी बात आपको क्लियर है। आइए अब आ जाते हैं अपने ट्रांसलेशन पे बिना समय गवाए। पहला एग्जांपल था हमारे पास, श्याम के पास घड़ी है, श्याम के पास घड़ी है। तो मैंने अभी बताया था किसके के थ्रू से आप क्वेश्चन पूछिए या फिर कौन के थ्रू से, तो कौन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, कौन के पास घड़ी है ऐसे नहीं बोलोगे आप, किसके पास घड़ी है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, श्याम की। श्याम आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या है, घड़ी है, यानी कि घड़ी आपका ऑब्जेक्ट। पास है, पास है, हैज, यानी कि ये चीज आपका हेल्पिंग वर्ब। सारी चीजें मिल गई मेरे को, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं अभी, तो आप अब ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो। श्याम के पास यानी कि श्याम सब्जेक्ट, श्याम आ गया, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास अभी, पास है के लिए हैज। मैंने कहा था कि ही शी इट और किसी का अगर नाम हो, सिंगल व्यक्ति या फिर वस्तु हो, उसके साथ भी हैज आता है। तो श्याम हैज, क्या है श्याम के पास, ऑब्जेक्ट घड़ी, यानी कि वॉच, श्याम हैज अ वॉच। ए लगा दीजिए, और अब ए क्यों लगाया इसका मैं रीजन दूंगा, हेल्पिंग वर्ब को मिटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो श्याम हैज अ वॉच, तो ए क्यों लगाया मैंने इसका रीजन दूंगा मैं आपको जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, ये पास्ट का है, थी देख के, पास्ट थी देख के आपको पता होना चाहिए कि हेड लगेगा, और इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, चाहे आपका कुछ भी हो, किसी का व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, आपको हेड ही लगाना है। तो पास्ट थी देख के तो आपको पता चल गया कि हेड का यूज होगा, क्यों, क्योंकि हेड का यूज ही होता है पास्ट था, थी, थे, कुछ भी हो, हेड लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये था ही, यानी कि श्याम डायरेक्टली करते हैं अब की बार, हमको सारा पता ही है, श्याम आपका सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आपकी घड़ी है, बस हेड लगाना है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट थी में चेंज हो गया है, अब प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात की गई है, ठीक है। तो श्याम हैड अ वॉच, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों सेंटेंस क्लियर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और करते हैं, इसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को भी मिटा देते हैं अब, या चलिए रहने दीजिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। थर्ड एग्जांपल है, उनके पास खिलौने हैं, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, उनके, उनके आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसके लिए आप लगाओगे दे, ठीक है, सब्जेक्ट निकल गया हमारा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ क्या बताया था मैंने, हैव आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैव, दे हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या है उनके पास, खिलौने, यानी कि टॉयज। बन गया ये वाला सेंटेंस भी, इजी था। आगे और एक देखते हैं, अगर मैं इसको है की जगह उनके पास खिलौने थे कर देता, तो मान लीजिए थे कर देता हूं तो क्या होगा, उनके पास खिलौने थे अगर कर देता हूं तो आपको हैव की जगह हैड कर देना है, सारा सेंटेंस सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले बात की थी हमने प्रेजेंट की, कि उनके पास खिलौने हैं, प्रेजेंट में भी है उनके पास अभी खिलौने, ठीक है। उनके पास खिलौने थे यानी कि पास्ट, और था, थे, थी यानी कि पास्ट था, पास्ट थी या फिर पास्ट थे के लिए हेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेंटेंस भी क्लियर होता है, ठीक है। तो ये था पूरा हैज हैव हेड का कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके पास
मार्कर है, मार्कर है। आप कैसे करोगे? अब तो सिंपल सा है, उसके के लिए उसके आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके के लिए आप यूज करोगे ही, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा कि मेल है कि फीमेल है, तो आप सी भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कि लड़का है कि लड़की है वो। शी हैज अ मार्कर भी आप बोल सकते हो। तो ही के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हैज, हेल्पिंग वर्ब। ही हैज क्या है उसके पास? मार्कर, ही हैज अ मार्कर, ठीक है, ही हैज अ मार्कर। तो इस टाइप से जो है ये सेंटेंस भी क्लियर होता है, ठीक है। सारे एग्जांपल्स जो थे जो मैंने अभी करवाए हैं बहुत इजी हैं, आप भी जो है ट्राई कीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको एज अ होमवर्क, जो भी उस क्वेश्चन को जल्दी से करेगा उसको जो है मेरी तरफ से विशेष मिलेंगी, मैं उसके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप इसको बनाने का। ये लीजिए आपको होमवर्क लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। आप कमेंट सेक्शन में जो है इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्या है लिखिए। हमारे पास 5 रुपए थे, हमारे पास 5 रुपए थे। आप इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क और ये था पूरा सेशन हैज, हैव और हैड का। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इजी थे। आप भी ट्राई कीजिए अपने घरों में, जितने भी आप सेंटेंसेस बोल पाओ आप कोशिश कीजिए, आप उनको नोट कीजिए। ये जो वीडियो है इसके ये जो भी मेन पॉइंट्स आपको लगे कि मेरे को नोट करना चाहिए, आप उसको प्लीज़ कॉपी में मतलब नोट कीजिए आप कॉपी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।